please subscribe to our channel education talks with abbas and press bell icon for latest and more educational videos bismillah you are watching my youtube channel educational talks with abbas dear friends we start a series of lecture on cre chemical reaction engineering which is the core subject of chemical engineering so basically in this lecture we talk about pack bed reactor what is pack bed reactor and its application plus design equation of pack bed reactor so please watch my previous videos if you want to know the um, principle and um, knowledge about general mole balance equation design equation of batch reactor CRE uh, uh, CSTR and PFR. So we start this uh, video and lecture what is pack bed reactor So principal difference between reactor design calculation involving homogeneous reaction and thus involving floating solid heterogeneous reaction is that for the latter the reaction take place on a surface of catalyst consequently the reaction rate is based on mass of solid catalyst w mean to say that in the catalyst in the packed bed reactor we use catalyst as a solid catalyst mean to say this is the वे टू यूज द बेड ऑफ कैटलिस्ट दिस इज दी पी वी आर पैक बेड रिएक्टर सो बेसिकली अब फॉर अ फ्लूड सॉलिड हेट्रोजीनियस सिस्टम द रेट ऑफ रिएक्शन सबस्टांस ए इज सो बेसिकली हमने बात की थी कि जब हमने जब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की फॉर कैटलिस्ट या पैक बेड रिएक्टर तो उसकी हमारे पास आती है माइनस आर ए डैश मोल्स ए रिएक्टेड ओवर सॉलिड गैस कैटलिस्ट हम इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेक्चर नंबर टू थ्री में काफी डिस्कस कर चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में वो वीडियो आप देख सकते हैं जाके सो मैस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट इज यूज बिकॉज अमाउंट ऑफ कैटलिज इज वट इज इंपॉर्टेंट टू द रेट ऑफ प्रोडक्शन फार्मेशन द रिएक्टर वॉल्यूम दैट कंटेन्स कैटलिस्ट इज ऑफ सेकेंडरी सिग्निफिकेंस So industrial reactors. So basically, this is the a packed bed reactor. Mean to say, the feed gas, feed gas. This is called the coolant side baffles. This is the product gas, and use this is used as a catalyst. सो द डेरिवेशन ऑफ डिजाइन इक्वेशन फॉर अ पैक पर्ड रिएक्टर कॉल्ड पी बी आर विल बी कैरिड आउट इन मैनर एनालस टू द डिवेलपमेंट ऑफ ट्यूबलर फ्लोरिएट मीटो से हमारे पास जो है हमने अगर आप लेक्चर नंबर आपको एट समझ आ चुका है तो लेक्चर नंबर नाइन आपके लिए हलवा आपको आ जाएगी सो बेसिकली इसमें हमने चेंज क्या करना है हमने लास्ट में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर एट में हमने प्लग फ्लोरिएट तो उसकी क्वेश्चन हमने ड्राइव की थी वो इक्वेशन जो थी वो थी डी एफ ए सो डी वी इज इक्वल टू आर ए देन इसमें अब एनालोगस है इसका सिर्फ इसमें फ़र्क ये है जहाँ पे हम वहाँ पे वो हम बात करते थे एज अ वॉल्यूम की बात करते थे यहाँ पे हम एज अ कॉल्ड स्क्वाला वर्क की बात हम यहाँ पे करेंगे मैथ सॉरी मैथ की बात करेंगे ऑफ अ कैटलिस्ट सो डेल्टा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेल्टा W DFA over DW is equal to RA dash. This is called a डिज़ाइन इक्वेशन ऑफ पी आर बेसिकली इसकी मैं ज़्यादा जो है डीप में नहीं जाऊँगा बेसिकली ये हमारे पास जो एनालॉगस है प्लग फ्लोरेटर का लेक्चर एक में देख सकते हैं उसकी सिर्फ एनालॉगस है फ़र्क यहाँ पे है यहाँ पे हम मैस ऑफ कैटलिस्ट की बात करें डी डब्ल्यू यहाँ पे आ गया है अगर मैं इसे शो करना चाहता हूँ एज अ डिफरेंशियल फॉर्म में कि हमारी जो है मैथ फ्लोरेट में एफ एंड एफ ए नोट बेसिकली यहां पे क्या आएगा डिफरेंस डी एफ ए माइनस आर ए डैश उम्मीद करता हूं कि आपको उसकी डिफरेंशियल डिजाइन इक्वेशन और पी वी आर क्या चीज है क्या मतलब क्या फायदा है सर आपको मैं बता दिया है तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं समरी पेश कर रहा हूँ सी एस टी आर पैक बैड पी बी आर वो आप जरूर देखें लेक्चर टी टेन आपकी प्ले लिस्ट में आगे होगा तो इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा इसका तो उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं असल व वरक